आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था।